कदम तुमने उठा लिया, तुमने दे दिया इस्तीफा, ऐसी विधायक मुझे नहीं करना। तो देखा आपने, बीजेपी के एक विधायक आईजी दफ्तर में दंडवत हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही विधायक अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के बीजेपी के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर के देवरी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ब्रज बिहारी पटेरिया अपने पुलिसिया सिस्टम से इतने नाराज हुए कि उन्होंने देर रात विधानसभा अध्यक्ष को अपना लिखित इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसको समझ लीजिए। दरअसल सागर के देवरी में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार डॉक्टर से इलाज नहीं मिलने पर FIR कराने के लिए थाने पहुंचा, लेकिन उसकी FIR नहीं लिखी गई। विधायक के मुताबिक पीड़ित परिवार से पुलिस वालों ने 40,000 रुपए की मांग की थी। विधायक का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रमाण होने और खुद विधायक के कहने पर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, और जब सत्तारूढ़ पार्टी के बीजेपी विधायक की सुनवाई नहीं हो रही तो ऐसे में विधायक रहने से क्या फायदा। और इसी के बाद बीजेपी के विधायक इतने खफा हो गए कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्या दर्द है बीजेपी विधायक का, आप भी सुन लीजिए। ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ, यदि विधायक खुद आना पड़े पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। वो भी सत्ता पक्ष के विधायक, यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका। नहीं, कदम तुमने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा, ऐसी विधायक मुझे नहीं करना। अब इन विधायक को देख लीजिए, बीजेपी के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के रीवा के मऊगंज विधानसभा सीट से जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं। प्रदीप पटेल भाजपा विधायक शराब माफियाओं को संरक्षण दिए जाने से नाराज हैं और खुद आईजी दफ्तर में दंडवत करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक का कहना है कि शराब माफिया उनका मर्डर करा सकता है। बीजेपी विधायक अपने ही सरकारी व्यवस्था से नाराज हुए तो इधर दूसरे विधायक ने भी सोशल मीडिया पर प्रदीप पटेल का समर्थन कर दिया। जबलपुर से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार शराब माफिया के आगे दंडवत है। आप देखिए क्या है ये पूरा मामला। समस्या कुछ नहीं है, तुम लोग से आप मेरे को मरवा दीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक अपनी ही सरकार के पुलिसिया सिस्टम से खासे नाराज हैं। कोई पुलिस व्यवस्था से नाराज है तो कोई शराब माफिया को संरक्षण दिए जाने से खफा नजर आ रहा है, और अब मामला विधायकों पे इस्तीफे तक जा पहुंचा है। देवरी के विधायक ने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को भेज दिया है, लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले कटनी के विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक ने भी अपनी जान को खतरे का अंदेशा जताया था। लेकिन अब एक के बाद एक बीजेपी विधायकों के बुलंद विरोधी स्वर के बाद कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने प्रदेश के मौजूदा हालातों पर सवाल खड़े किए हैं, और सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा किया है कि जब भाजपा के विधायक ही अपनी पार्टी के सिस्टम से नाराज हैं तो प्रदेश के हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है।